हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSSB की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं पूरा बताऊँ इस वीडियो में। देखना तो कल ये नोटिस आया था, मैंने कल देख लिया था, पर रात को देखा था मैंने, तो मैंने सोचा चलो सुबह ही वीडियो बनाते। देखो 24/11 यानी कि 24 नवंबर से एग्ज़ाम है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है मुझे पता आपको पढ़ना था, पढ़ सकते, पर फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। ये देखो एग्ज़ाम यहाँ पे, ये ऑफलाइन है हमारे। देखो मैं आपको डेट बता देता हूँ, 24/11 को। देखो यहाँ पे ये ऑफलाइन पेपर है। देखो इसमें पता है क्या दिक्कत है, मतलब ये एक चीज़ फ़ायदा इससे पता चल रहा है इनमें, या अगर पोस्ट भी कम हुई ना तो भी इनमें कोई बात नहीं है, पर ये देखो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मतलब एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे कि एग्ज़ाम मतलब काफ़ी कम है ये, मतलब वो क्या नाम है कि जो यहाँ पे अप्लाई बंदे होंगे, मतलब जो बंदे आएंगे यहाँ पे वो कम होंगे। तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा मतलब आपके चांस है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके चांस ज़्यादा हैं इसमें सिलेक्टेड होने के। देखो फिर भी देखो मैं यहाँ पे 24 तारीख 10 से 12:30 और यहाँ पे एक एग्ज़ाम है हमारा 10:30 से 1:30 यानी कि डेढ़, ठीक है। देखो यहाँ पे पोस्ट कोड ये लिखा हमारा 63/12, 65/12, 70/12 और 154/14, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ये आ गया, अगर आप में से मानो किसी के एडमिट कार्ड लाने के लिए कोई भी दिक्कत आए, तो देखो DSSSB ने यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे आप मतलब इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो DSSSB-SECY@NIC.in। अगर मानो किसी, और ये आपको मैसेज कब, अगर मानो कोई दिक्कत आती है एडमिट कार्ड निकालने में, तो आपको 20/11/2019 से पहले आपको ये मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो, समझने वाला कुछ था नहीं, बस सुनने वाला ही था। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।